आज हम बनाएंगे फ्रूट पुडिंग। काफी जल्दी बना सकते हैं आप, ये डेजर्ट के तौर पे खा सकते हैं, बच्चों को काफी पसंद आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, दूध, शक्कर, कस्टर्ड पाउडर और थोड़े से फ्रूट्स। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर, फूड कलरिंग और थोड़ा सा आपका पसंद वाला एसेंस यूज कर सकते हो। थोड़े से ठंडे दूध में आपको 3-4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रखना है। अब हमें 1 कप छोटा दूध गरम करना है, उसमें ये मिक्सचर डाल के इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और थोड़ी सी शक्कर डालनी है। 3-4 चम्मच आप डाल सकते हो, ज्यादा स्वीट चाहिए तो 5 चम्मच डालिए। 2-3 मिनट के लिए आपको इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करना है, इसमें लम्स नहीं फॉर्म होने चाहिए। गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। आप इसमें फिर कटे हुए आपके पसंदीदार फ्रूट्स डाल सकते हो। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। मैंने यहाँ पे इसे सिलिकॉन के केक्स वाले मोल्ड में डाला है, आप कोई छोटे से कटोरे में भी इसे डाल सकते हो। आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, पर इसे आधा घंटा फ्रिज में रख के खाइए तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये रास्पबेरी फ्लेवर्ड फ्रूट पुडिंग हमने बनाया है, अब हम बनाएंगे वैनिला फ्लेवर्ड फ्रूट पुडिंग। प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर ही है, बस हम इसमें डालेंगे वैनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर, आप कॉर्नफ्लावर, वैनिला एसेंस और फूड कलर भी डाल सकते हो। आप इस फ्रूट पुडिंग को और भी फ्लेवर्स में बना सकते हो, जो भी आपको फ्रूट पसंद है, मैंगो हो, पाइनएप्पल हो, स्ट्रॉबेरी हो, और बाद में ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें आप इसमें फ्रेश कटे हुए फ्रूट्स भी डाल सकते हो। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अब इसे ठंडा करके ही खाइए क्योंकि ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल रेडी है हमारा फ्रूट पुडिंग, आप देख सकते हो कितने आसानी से बन गया ये, और सिर्फ 4 ही इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें लगे हैं, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट थोड़ा सा मिल्क जेली को भी रिजेम्बल करता है, तो इस क्विक और डिलीशियस डिजर्ट रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा, और इसका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। तो अगर आपको आज की क्विक और यूनिक रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।